नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम होगा कि हम लोग मंथली करंट अफेयर्स आपका कवर कर रहे हैं, और इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि अभी तक हम लोग जनवरी से लेकर अगस्त तक का जो भी करंट अफेयर्स रहा है उसको कवर कर चुके हैं। और याद रखिए, इसमें केवल करंट अफेयर्स कवर नहीं किया जा रहा है, इसमें स्टैटिक जीके भी कवर किया जा रहा है। यानी कि किसी क्वेश्चन को अगर हम लोग देखते हैं तो उसका बैकग्राउंड भी देखा जाता है कि आखिर उससे किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं आपकी परीक्षाओं में। और मुझे लगता है कि ये बताने की जरूरत नहीं है कि आपकी परीक्षाओं में करंट अफेयर्स कितना महत्वपूर्ण स्थान रखता है, और आप देखेंगे कि काफी अच्छी संख्या में क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। फिर चाहे आप लोग सिविल सर्विस ले लीजिए या स्टेट पीसीएस, जिसमें एमपीपीएससी, बिहार पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, उत्तर प्रदेश पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, या और भी आप देखते हैं जो स्टेट लेवल के आपके गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं या सेंट्रल एग्जाम होते हैं, सभी में लगभग क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर्स से अच्छी खासी संख्या में एक तरह से पूछे जाते हैं। और याद रखिए, करंट अफेयर्स के लिए एक मैंने प्लेलिस्ट सोची ही बना दी साहब, सेपरेट बिल्कुल, मंथली करंट अफेयर्स 2021 के नाम से। तो उसमें जाकर आप लोग देखेंगे तो जितनी भी आपकी क्लासें होगी करंट अफेयर्स की सभी मिल जाएंगी उसमें, ठीक है। चलिए, तो इसमें हम लोग सितंबर महीने का देखते हैं। लास्ट क्लास में आपने देखा होगा कि अगस्त महीने का हम लोग देख चुके थे। अब सितंबर महीने में जो भी आपके देश में घटनाएं घटी, फिर दुनिया में घटनाएं घटी हो, फिर चाहे आपके राज्य में आपकी स्थानीय घटनाएं घटी हो, अगर आपकी परीक्षाओं में उनसे क्वेश्चंस बनने लायक होंगे तो उन सभी क्वेश्चंस को इस क्लास में शामिल किया गया है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, किस राज्य की सरकार ने युवाओं के लिए मेरा काम मेरा मान नामक योजना शुरू की हुई है? किस राज्य की सरकार ने हाल ही में युवाओं के लिए मेरा काम मेरा नाम मेरा काम मेरा मान नामक योजना शुरू की हुई है? आपके सामने उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, चार ऑप्शन दिए गए हैं, और आप भी तो देखते हैं आपकी परीक्षाओं में चार ही ऑप्शन रहते हैं। तो इसमें पंजाब होगी, क्या होगी? पंजाब सरकार ने ये शुरू की हुई है, और युवाओं को एक तरह से रोजगार देने के लिए, रोजगार उपलब्ध कराने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है, मेरा काम मेरा मान, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, और पंजाब के बारे में भी याद रखिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है पंजाब से भी क्वेश्चंस पूछ लेता है जब चर्चा में रहता है। तो आप सभी को मालूम होगा कि 1 नवंबर 1966 को पंजाब को राज्य बनाया गया था, और इसकी राजधानी की बात करें तो चंडीगढ़ है, और चरणजीत सिंह चन्नी यहाँ के अभी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 117 सीटें देखने को मिलेगी, राज्यसभा में आपको 7 सीटें देखने को मिलेगी, और लोकसभा में 13 सीटें देखने को मिलेगी, ठीक है। ये आप लोग याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, किस देश के खिलाड़ी डेल स्टेन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की हुई है? ये कहाँ के हैं? दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, पाकिस्तान, आयरलैंड। तो याद रखिए, दक्षिण अफ्रीका के हैं, और मुझे लगता है कि अगर आप लोगों ने इतिहास पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा कि गांधी जी का काफी जुड़ाव रहा है दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका के स्टार तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने का ऐलान किया है, और स्टेन ने साउथ अफ्रीका की टीम को कई बार अहम मैचों में जीत भी दिलाया, और जिसमें अनोखे इन्होंने रिकॉर्ड भी बनाए हुए हैं। अफ्रीका साउथ अफ्रीका की तरफ से इन्होंने 93 टेस्ट, 125 वनडे और 47 यानी कि 47 T20 मुकाबले खेले। टेस्ट में उन्होंने, आपको बता दूं कि 439 विकेट भी लिए हुए हैं, वनडे में 196 और T20 में आप देखेंगे 64 विकेट चटकाए हैं या लिए हैं। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। देखिए, दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो आप सभी को मालूम होगा कि ये अफ्रीका महाद्वीप में आप लोगों को एक देश देखने को मिलेगा, और इसकी राजधानी प्रिटोरिया है, ठीक है, कार्यपालिका राजधानी। और न्यायिक राजधानी की बात करें तो ब्लोमफॉन्टेन यहाँ की राजधानी है,
और विधायी राजधानी केप टाउन है इसकी, तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। जो शुरुआती आंदोलन थे आप देखिए गांधी जी ने यहीं से शुरू किए थे। ठीक, किस देश की सरकार ने बच्चों के लिए सप्ताह में केवल 3 घंटे गेम खेलने का नियम बनाया है? अमेरिका, चाइना, रूस, जापान। तो इसमें आपका चीन होगा। क्या होगा? चीन होगा। और याद रखिए चीन के बारे में एक और बात बता देता हूं कि इसकी राजधानी बीजिंग है और हमारा पड़ोसी है। अब देखते हैं लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश को हमसे लड़ता रहता है, झगड़ता रहता है, आप समझ रहे हैं। और जनसंख्या में सबसे बड़ा देश है, उसके बाद हमारा नंबर आता है, दूसरे नंबर पर हम लोग हैं। लेकिन एक बात और आपको बताता हूं इसके अलावा कि देखिए चाइना एक समय अंग्रेज जो विस्तारवादी नीति अपनाते थे ना, वही आजकल चाइना का हाल है। आप देखिए जितने भी देशों से उसकी सीमा लगती है, लगभग सभी से उसका सीमा विवाद क्या है, चल रहा है। अगला क्वेश्चन है, प्रति वर्ष विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व नारियल दिवस की बात हो रही है और आपको एक और बात बताऊं मैं, वैसे बातें तो बहुत बताता रहता हूं। देखिए जब भी आप लोग ए पेप्सी वेप्सी पीने से अच्छा है कि नारियल अगर आपके उसमें मिलता है आपके क्षेत्र में तो उसे पिया करिएगा। उससे क्या होता है कि आपको काफी फायदा भी होता है, समझ रहे हैं? 1 सितंबर, 2 सितंबर या 30 अगस्त या 31 अगस्त, 2 अगस्त को आपका विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है और इसके कई फायदे भी होते हैं। ठीक है, और इसी दिन आपको बताऊं 2 अगस्त, 2 सितंबर को इंडोनेशिया के जकार्ता में एपीसीसी की स्थापना की गई थी, यानी कि एशियाई प्रशांत नारियल समुदाय की बात कर रहा हूं। और इसके बाद से संपूर्ण विश्व में निरंतर विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है और प्रत्येक वर्ष इसकी एक थीम रखी जाती है। और इस बार की अगर हम लोग थीम की बात करें 2021 के लिए, तो एक सुरक्षित, समावेशी, लचीला और टिकाऊ नारियल समुदाय का निर्माण कोविड-19 महामारी और उससे परे, इस बार की क्या है थीम है इसके। आप देखिए नारियल के अगर लाभ की बात करें तो आप लोगों को कई इसके फायदे देखने को मिलेंगे। अब आप कहेंगे कि काक दो फायदे बताइए, तो नारियल में मैग्नीज, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन होता है, और जो आप जानते हैं कि हड्डियों के लिए बहुत जरूरी भी रहता है, हड्डियों को मजबूत भी बनाता है। नारियल का दूध और तेल स्किन के को ग्लोइंग बनाने में काफी फायदेमंद भी होता है। नारियल में आयरन और सेलिनियम होता है और इसलिए यह लाल रक्त कोशिकाओं की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। नारियल खाने से कोलेस्ट्रॉल के स्तर में सुधार भी होता है। नारियल पानी में विटामिन सी, मैग्नीशियम और पोटेशियम मौजूद होता है, जिससे आप सभी को मालूम होना चाहिए कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद मिलती है, पेट की चर्बी करने में भी मदद मिलती है। और रोजाना अगर नारियल पानी पीने से शरीर में ग्लूकोज का स्तर भी नॉर्मल रहता है, तो आप समझ सकते हैं कि कई फायदे हैं इसके। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, कौन व्यक्ति केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए चेयरमैन बने हैं? कौन व्यक्ति केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी के नए चेयरमैन बने हैं? पीके गोस्वामी, एच.एस. शुक्ला, जे.बी. महापात्रा, आर.जे. पांडे। तो इसमें याद रखिए जे.बी. महापात्रा होंगे। और केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड, इसे आप लोग सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस भी कहते हैं, तो इसके बारे में याद रख सकते हैं आप लोग। और इसके अगर हम लोग स्थापना की बात करें तो भारत प्रत्यक्ष कर से संबंधित सभी मामले 1 जनवरी 1964 से केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी को सौंप दिए थे और इसे राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 से अधिकार भी दे दिए गए थे। और सीबीडीटी वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग का एक हिस्सा है, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन कोयला खदान में काम करने वाली भारत की पहली महिला इंजीनियर बनी है? कोयला खान में
काम करने वाली भारत की पहली महिला इंजीनियर बनी है, नमिता चौधरी, विजय श्री गौर, आकांक्षा कुमारी, मीनाक्षी कंडाला। तो याद रखिए आकांक्षा कुमारी होगी इसमें, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा इसमें, आपका क्या रहेगा, सी ऑप्शन आप लोग लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है, लद्दाख प्रशासन ने किसे किसे अपना राज्य पशु घोषित किया हुआ है। देखिए पहले आप सभी जानते हैं कि लद्दाख जम्मू कश्मीर का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अब आप सभी को मालूम ये भी होगा कि 31 अक्टूबर 2019 से लद्दाख अलग हो चुका है, समझ रहे हैं आप लोग, इसकी राजधानी लेह बना दी गई है और यहाँ आपकी विधानसभा नहीं होगी, केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ आपका उपराज्यपाल होगा। एक तरह से नीलगाय, हेम तेंदुआ, सफेद बिल्ली, रेड पांडा। तो याद रखिए हेम तेंदुआ होगा इसका, क्या होगा, हेम तेंदुआ यहाँ का पसी पशु बनाया गया है, ठीक है। और दो जिले हैं अभी यहाँ, ले और कारगिल यहाँ कि अभी जिले हैं, तो ये आप लोग भी याद रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कौन दो पैरालंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बनी है। देखिए पैरालंपिक मेडल एक तरह से ओलंपिक वही होते हैं जिसमें आपने देखा होगा जो विकलांग होते हैं वही इसमें भाग लेते हैं, और ये भी आपके टोक्यो जापान में ही हुए हैं, भावीना पटेल, अवनी लेखरा, एकता ध्यान और करम ज्योति दलाल। तो याद रखिए अवनी लेखरा होगी इसमें, ठीक है, क्या होगी, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा इसमें। इन्होंने महिलाओं की 50 मीटर राइफल की P3SH1 स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रखा है, ठीक है, ये आप लोग याद रख सकते हैं, ब्रॉन्ज मेडल भी पर निशाना था। और अवनी ने 445.9 का स्कोर करते हुए पदक पर कब्जा करने में सफल रही हैं, और टोक्यो पैरालंपिक में अवनी का ये दूसरा पदक है, ठीक है, और इससे पहले वह स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं। चलिए आगे चलते हैं, कौन व्यक्ति राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के नए अध्यक्ष प्रबंध निदेशक बने हैं, बताइए। आपके सामने चार ऑप्शन है, मनीष सहवाग, रमेश देसाई, अतुल भट्ट, आनंद घोषाल। क्या करोगे, कुछ करोगे भी, तो अतुल भट्ट होंगे इसमें, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के नए अध्यक्ष हैं, ठीक है। और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड की बात करें तो आपको बताने दें कि इसकी स्थापना 18 फरवरी 1982 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर आपको विशाखापट्टनम में देखने को मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सबसे अधिक इंटरनेशनल गोल 111 करने वाले फुटबॉल खिलाड़ी बने हैं। इसमें पहला ऑप्शन कह रहा है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेस्सी मेसी और सुनील छेत्री या केल्विन डी ब्यून। तो याद रखिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो होंगे इसमें, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। महाराष्ट्र सरकार ने किस शहर में राजीव गांधी के नाम पर साइंस सिटी स्थापित करने की घोषणा की हुई है। महाराष्ट्र सरकार ने नासिक में, जलगांव में, मुंबई में या पुणे में। तो याद रखिए पुणे में की है, किसमें, पुणे में की हुई है। और महाराष्ट्र के बारे में बात करें तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि अभी यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, उद्धव ठाकरे, और यहाँ इसकी राजधानी की बात करें तो मुंबई है और नागपुर इसकी विंटर राजधानी है, और 1 मई 1960 को इसे राज्य बनाया गया था। और यहाँ अगर आप लोग देखें तो विधानसभा में 288 सीटें हैं और विधान परिषद है जिसमें आपको देखने को मिल जाएंगी 78 सीटें, राज्यसभा में 19 सीटें और लोकसभा में आपकी 48 सीटें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड EIL की नई चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक बनी है।
अनीता राव, दीप्ति जोशी, वर्तिका शुक्ला, रश्मि चावला, बताइए। तो इसमें होगी वर्तिका शुक्ला, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। और इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की अगर बात करें तो 1965 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर इंडिया में ही देखने को मिलेगा आपको। अभी हाल ही में संपन्न हुए टोक्यो पैरालंपिक में 2020 में खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते हुए बताइए। 13, 17, 19, 22। तो याद रखिए 19 रहे हैं इसमें, कितने 19 रहे हैं, जिसमें आपके 5 तो आपके गोल्ड हैं, 8 सिल्वर हैं और 6 आपके ब्रॉन्ज मेडल हैं। कुल मिलाकर टोटल 19 रहे हैं, ठीक है। वो भारत को 24वां स्थान मिला है इसमें। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 में भारत ने कौन कौन से कुल 19 पदक जीते हुए हैं। 5 गोल्ड आपको पीछे भी बताया हुआ है, 8 आपके सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। इसमें अगर हम लोग गोल्ड की बात करें तो अवनी लेखरा, आपने देखा होगा कि वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में स्टैंडिंग एच एस में फर्स्ट में इन्होंने स्वर्ण जीता हुआ था। सुमित अंतिल, इन्होंने मेंस जेवलिंग थ्रो F64 में। मनीष नरवाल, इन्होंने पिस्टल में एक तरह से शूटिंग में, और प्रमोद भगत बैडमिंटन में, और कृष्णा नागर, तो याद रखिए इन्होंने भी बैडमिंटन में। वहीं अगर हम लोग रजत पदक की बात करें तो भाविना बेन पटेल, इन्होंने टेबल टेनिस में। निषाद कुमार, इन्होंने हाई जंप में। देवेंद्र झाझरिया, इन्होंने जेवलिन थ्रो में। योगेश कथुनिया, इन्होंने आपको बता दूं कि जो डिस्कस थ्रो होता है ना उसमें। सिंगराज अधाना, इन्होंने पिस्टल एक तरह से शूटिंग में। मरियप्पन थंगावेलु, इन्होंने मेंस हाई जंप में। प्रवीण कुमार, मेंस हाई जंप में। सुहास एल यतिराज, बैडमिंटन में इन्होंने, ठीक है। वहीं अगर हम लोग कांस्य पदक की बात करें तो सुंदर सिंह गुर्जर, इन्होंने मेंस जेवलिन थ्रो में। सिंगराज अधाना, इन्होंने पिस्टल शूटिंग में। शरद कुमार हाई जंप में। अवनी लेखरा, इन्होंने शूटिंग में, ठीक है। और हरविंदर सिंह, इन्होंने इंडिविजुअल रिकर्व आर्चरी में। और मनोज सरकार ने आपको बैडमिंटन में इन्होंने जीता हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पूरे भारत में 5 सितंबर को किनके जन्मदिन पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। किसकी बात हो रही है, शिक्षक दिवस की बात हो रही है, समझ रहे हैं आप लोग, तो बताइए। इसमें जवाहरलाल नेहरू, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, एपीजे अब्दुल कलाम साहब, तो आप सभी को मालूम होगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जन्म दिवस पे। इनके बारे में एक और बात बताऊं आपको, इन्हें जितनी उपाधियां आप लोग दे सकते हो उससे भी आगे रहे हैं। आप देखिए, भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी रहे, विद्वान भी रहे हैं, भारत रत्न से सम्मानित किया गया था इन्हें, ठीक है। और इन्हीं के जन्मदिन पर यानी भी 5 सितंबर पर शिक्षक दिवस आप लोग मनाते हैं, तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में बात करें तो 5 सितंबर 1888 में इनका जन्म हुआ था और 17 अप्रैल 1975 में इनकी डेथ हो गई थी। देखिए, और विश्व वर्ल्ड टीचर्स डे भी मनाया जाता है,
शिक्षक दिवस भारत में भी मनाया जाता है और आप देखिए वर्ल्ड स्तर पर भी मनाया जाता है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हो? 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, 5 सितंबर को आपका भारत में मनाया जाता है शिक्षक दिवस, और 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस पूरे एक तरह से दुनिया में मनाया जाता है। और इस बार की थीम रखी गई है COVID-19 महामारी के चलते शिक्षा क्षेत्र को काफी नुकसान उठाना पड़ा, तो इस शिक्षा को फिर से पटरी पर लाने के लिए शिक्षकों की भूमिका, शिक्षा को फिर से पटरी पर लाने के लिए शिक्षकों की भूमिका। एक इसके वर्ल्ड जो आपका टीचर्स डे होता है यानी कि विश्व शिक्षक दिवस, उसी के थीम है, ठीक है? ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। कौन भारतीय व्यक्ति एशियाई स्क्वैश महासंघ की नई उपाध्यक्ष बने हैं बताइए? ASFB से आप लोग शॉर्ट में कहते हैं। दीपक मिश्रा, मलेश भट्टाचार्य, आशीष रिजिजू, साइरस पोंचा। तो याद रखिए इसमें साइरस पंचा होंगे। और 1980 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है? और इसका हेड मलेशिया में आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन कम कैलोरी वाली वाली स्वीटनर ब्रांड शुगर फ्री की ब्रांड एम्बेसडर बनी है? अवनी लेखरा, पीवी सिंधु, कैटरीना कैफ या फिर दीपिका पादुकोण? तो याद रखिए कैटरीना कैफ होंगी। कई लोगों को आप देखते हैं ना कि डायबिटीज रहती है, तो एक तरह से उन्हें शुगर फ्री जो भी खाते हैं शुगर फ्री चाहिए होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के नए अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक यानी कि CMD बने? इसमें आपका कह रहा है कि SL त्रिपाठी, M.K. चौधरी, SP झाझड़ और P.K. श्रीवास्तव। तो याद रखिए SL त्रिपाठी होंगे इसमें। कौन होंगे? SL त्रिपाठी साहब होंगे। और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस की बात करें तो 18 फरवरी 1948 में इनका इसकी स्थापना हुई थी और चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, किस देश के पूर्व फुटबॉलर जीन पेरे एडम्स का 73 वर्ष की उम्र में डेथ हो चुकी है इनकी? इस किस देश से जुड़े हुए थे बताइए? चार ऑप्शन है, स्पेन, फ्रांस, बेल्जियम और ब्राजील। क्या करोगे आप लोग बताइए कुछ? तो याद रखिए फ्रांस के थे, और आप लोग फ्रांस देश को एक और वजह से काफी जानते हैं, राफेल हम लोग खरीदते हैं फ्रांस से, समझ रहे? फ्रांस में राफेल बेचता है, इसकी पेरिस इसकी राजधानी है, यूरोप का एक देश है, पश्चिमी यूरोप का, ठीक है? अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने शिक्षकों को वर्ष 2021 का राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान दिया है बताइए? 40, 44, 49 या 56? तो याद रखिए 44 को दिया गया है। और एक बात और आपको बता दें, देखिए नाम पूछा जाना मुश्किल रहता है, 44 को आप लोग याद थोड़ी रख पाओगे, कोई भी याद नहीं रख पाएगा। तो इसमें मुझे लगता है कि टोटल याद रखिएगा, और इसमें आप देखें कि महाराष्ट्र से हैं, तेलंगाना से हैं, असम से, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, तमिलनाडु, उड़ीसा, गुजरात, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के दो दो शिक्षक हैं इसमें। और आपको बता दूं 2021 के पुरस्कार पाने वालों में से 9 महिलाएं भी हैं, तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान की बात हो रही है, कितने को दिया गया? 44 को। अगला क्वेश्चन है, 8 सितंबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया, जिसे पहली बार कब मनाया गया था? 1966, 1968, 1971, 1978
तो याद रखिए वो 1966 में पहली बार ये मनाया गया था। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की बात हो रही है। आठ सितंबर को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया है। और इस दिवस को आपको बता दूं, थीम इस बार की रखी गई ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी के लिए साक्षरता, डिजिटल डिवाइड को कम करना। और ध्यान दें कि देखिए पहली बार ये यूनेस्को ने 7 नवंबर 1965 में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाने का फैसला किया था, लेकिन पहली बार ये कब मनाया गया था, 1966 में। अब यूनेस्को की यह बात हुई है तो यूनेस्को के बारे में बता देता हूं। देखिए यूनेस्को की आप लोग संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन के नाम से इसे जानते हैं। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर आपको पेरिस फ्रांस में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। कौन व्यक्ति इंटरनेशनल रोड फेडरेशन की भारतीय शाखा के अध्यक्ष बने हैं? अमित गोस्वामी, राकेश चौधरी, अब्दुल अहमद, सतीश पारेख। तो याद रखिए सतीश पारेख होंगे इसमें। कौन होंगे? सतीश पारेख होंगे। और इसकी अगर हम लोग इंटरनेशनल रोड फेडरेशन की बात करें तो 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसे सातवा यामिन हजारिका वुमन ऑफ सब्सटांस अवार्ड मिला है? गीता चोपड़ा, नीतू शर्मा, नमिता गोखले, मानसी राणा। तो याद रखिए इसमें नमिता गोखले होंगी आपकी। कौन होंगी? नमिता गोखले होंगी इसमें। ये लेखिका है नमिता गोखले, इन्हें सातवा यामिन हजारिका वुमेन ऑफ सब्सटांस अवार्ड दिया गया है। और जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की सह संस्थापक और सह निदेशक हैं गोखले। हिमालयन इकोज और कुमायूं फेस्टिवल ऑफ लिटरेचर एंड द अवार्ड्स का भी आर्ट्स का भी उल्लेख करती है। और इस बार से यामिन हजारिका वुमेन ऑफ सब टाइम्स अवार्ड से सम्मानित की जाने वाली गोखले पूर्वोत्तर भारत की पहली महिला है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रख सकते हो, रखोगे भी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस शहर में भारत का पहला सबसे ऊंचा वायु शोधक यंत्र यानी कि 24 मीटर लगा है लंब ऊंचा? सूरत में, चंडीगढ़ में, जयपुर में, भोपाल में। तो याद रखिए चंडीगढ़ में लगाया गया। चंडीगढ़ में भारत का सबसे ऊंचा वायु शोधक यंत्र लगाया गया है। चंडीगढ़ के सेक्टर 26 स्थित ट्रांसपोर्ट चौक पर भारत का सबसे ऊंचा वायु शोधक एक तरह से लगाया गया है। इसको ऊंचाई 24 मीटर आपको देखने को मिलेगा। और आधुनिक तकनीक वाले से वायु शोधक यंत्र में लगा है हाई स्पीड पंखा, अपने आप गंदगी को साफ कर देगा। ठीक है, और इसके पहले आपने देखा होगा दिल्ली में लगा था 20 मीटर ऊंचा वायु शोधक यंत्र। चलिए आगे चलते हैं। किस राज्य सरकार ने एसबीआई के पूर्व चेयरमैन रजनीश कुमार को अपना वित्तीय सलाहकार बनाया है? बताइए। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा। तो याद रखिए आंध्र प्रदेश होंगे। किसने? आंध्र प्रदेश ने। अब देखिए आंध्र प्रदेश के बारे में अगर बात करें हम लोग तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था आपका आंध्र प्रदेश। और 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। अमरावती इसकी राजधानी देखने को मिलेगा। यहाँ के अभी वर्तमान मुख्यमंत्री की बात करें तो वाईएस जगन मोहन रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री। अभी यहाँ विधानसभा भी देखने को मिलेगी और विधान परिषद भी देखने को मिलेगी। तो विधानसभा में यहाँ 175 सीटें हैं और विधान परिषद में 58 सीटें हैं।
राज्यसभा में आपकी 11 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। और एसबीआई के बारे में तो मुझे लगता है आप लोगों को मालूम होगा, सरकारी बैंक है और वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराती है। 1 जुलाई 1955 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई में देखने को मिल जाएगा। आप में से कई लोगों के इसमें अकाउंट भी होंगे। कौन व्यक्ति टाटा ए लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं बताइए। चार ऑप्शन है, विराट कोहली साहब, या फिर अमिताभ बच्चन, नीरज चोपड़ा, अक्षय कुमार। तो आप सभी को मालूम होना चाहिए इसमें नीरज चोपड़ा को बनाया गया है, गोल्ड मेडल विजेता है ना। और सन टाटा ए लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो सन 2000 में इसकी स्थापना हुई थी और मुंबई में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन भारतीय मूल के व्यक्ति ऑस्ट्रेलियाई सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं बताइए। भारतीय मूल के हैं और जाके ऑस्ट्रेलिया में जज बने हैं। राजेंद्र द्रविड़, नीलकेश झा, अतुल क्लार्क, हेमंत धनजी। तो याद रखिए हेमंत धनजी होंगे इसमें। और एक बात और आपको बता, देखिए भारतीय लोग दुनिया में फैल चुके हैं और मुझे लगता है कि एक दिन वो दूर नहीं, वो दिन कि जब हमारे देश के लोग, मूल के लोग, भारतीय मूल के लोग राष्ट्रपति बन रहे होंगे, प्रधानमंत्री बन रहे होंगे। कमला हैरिस को देख लीजिए, भारत अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनी हुई है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने पेड़ों को बचाने के लिए प्राण वायु देवता पेंशन योजना शुरू की हुई है। और मुझे लगता है कि आप सभी ने समझ भी आ गया होगा कि पेड़ों को का महत्व हमारी जिंदगी में कितना है। लॉकडाउन में कोरोना महामारी ने सब कुछ याद दिला दिया है और हमें पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए। हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड, तो याद रखिए हरियाणा होगी इसमें। क्या हरियाणा सरकार ने किया हुआ है? हरियाणा सरकार ने पेड़ों को बचाने के लिए अनोखी स्कीम जो शुरुआत की हुई है, ठीक है। और स्कीम भूमिहीन किसानों के लिए आने वाले समय में उपयोगी साबित होगी क्योंकि इसमें पेड़ों की देखभाल करने वालों को सालाना 2500 रुपये पेंशन देने का फैसला भी किया गया है। वहीं अगर हम लोग हरियाणा की बात बारे में बात करें तो इसकी राजधानी चंडीगढ़, और 1 नवंबर 1966 को इसे राज्य बनाया गया था। मनोहर लाल खट्टर यहाँ के अभी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में आपको 90 सीटें देखने को मिलेगी, राज्यसभा में 5 सीटें, लोकसभा में 10 सीटें हैं यहाँ, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं, रखोगे कि नहीं रखोगे। किस शहर के हाईवे पर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन हुआ है बताइए। किस शहर की हाईवे पर भारत की पहली आपातकाल लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन हुआ है? सूरत, गुजरात, बाड़मेर, राजस्थान, चंडीगढ़, हरियाणा, अमृतसर, पंजाब। तो याद रखिए इसमें बाड़मेर राजस्थान होगा। क्या होगा? तो राजस्थान होगा। आपातकालीन तो आप लोग समझ ही रहे होंगे कि जब जरूरी पड़े। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राजस्थान की बाड़मेर शहर में राष्ट्रीय राजमार्ग 925 पर इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का उद्घाटन किया हुआ है। अब राजस्थान में बाड़मेर के दक्षिण में NH 9 995 यानी कि 925 के गंधव भाकासर खंड पर आपातकाल लैंडिंग पट्टी पर पहली बार राष्ट्रीय राजमार्ग का उपयोग IAF विमानों की आपातकालीन लैंडिंग के लिए किया जाएगा, ठीक है। और राजस्थान के बारे में बात करें अगर हम लोग, तो आपको मालूम होना चाहिए कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है आपका राजस्थान और जयपुर इसकी राजधानी है। और यहाँ आप देखेंगे अशोक गहलोत अभी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ आप देखें तो 200 आपकी विधानसभा सीटें देखने को मिलेगी, राज्यसभा में 10 सीटें हैं और लोकसभा में आपकी 25 सीटें देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, कौन व्यक्ति उर्वरक कंपनी NFL के नए अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक बने हैं बताइए। ये उर्वरक आप जानते हैं ना,
नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, जो आपने देखा होगा कि ये क्या बनाती है, खाद माद बनाती है। तो निर्लेप सिंह राय, पीयूष राज शर्मा, विष्णु कुमार मौर्य, कर्पेश राम माथुर। तो याद रखिए निर्लेप सिंह राय होंगे इसमें, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। कौन व्यक्ति उत्तराखंड की 8वें राज्यपाल बने हैं? कमलेश शर्मा, विराट मोहन, गुरमीत सिंह, ताराचंद मेनन। तो गुरमीत सिंह बने हैं उत्तराखंड की 8वें राज्यपाल। उत्तराखंड के बारे में बात करें तो आप सभी को मालूम होगा कि ये 9 नवंबर सन 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग करके राज्य बनाया गया था जी। ठीक है, वह यहाँ वर्तमान अगर मुख्यमंत्री की बात करें, किसके, उत्तराखंड की वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, क्योंकि आपने देखा है कि बहुत मुख्यमंत्री बदले गए। पुष्कर सिंह धामी अभी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, और इसमें आपको देखने को मिलेगा विधानसभा सीटें 70, राज्यसभा सीटें 3 हैं, लोकसभा सीटें 5 आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, हर साल विश्व यानी कि प्रतिवर्ष विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? क्योंकि आपने देखा होगा कि जो आंकड़े आते हैं उसमें देखिए हर साल आप देखिए बढ़ती जा रही है, लोग आत्महत्या करते हैं, लोग सुसाइड करते हैं, समझ रहे हैं? लोग जिंदगी से परेशान रहते हैं, स्ट्रेस रहते हैं। कोरोना महामारी में ये आपने देखा है, 8 सितंबर को, 10 सितंबर को, 11 सितंबर को और 14 सितंबर को, बताइए। और इस आत्महत्या को रोका जाए, देखिए इसे रोकने का एक कारण है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि लोग के पास टाइम नहीं है। देखिए जब कोई जा रहा हो, तनाव में जा रहा हो, तो मुझे लगता है कि उसके साथ लोगों को अपना टाइम बिताना चाहिए, समझ रहे हैं? अब देखिए उसके साथ अगर टाइम बिताते हो, अकेला नहीं छोड़ते हो, तो काफी हद तक उसे कंट्रोल भी किया जा सकता है। तो इसमें 10 सितंबर होगा आपका, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। क्या रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा। तेजी से आपने देखा है कि मामले बढ़ रहे हैं। ये पहली बार 2003 में मनाया गया था, पता है? और इस बार की अब थीम की बात करें तो कार्रवाई के माध्यम से आशा पैदा करना, एक तरह से इस बार की थीम रखी गई है, क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। कौन व्यक्ति राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष बने हुए हैं? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की बात हो रही है। सैयद खान महमूद, इकबाल सिंह लालपुरा, जफरदीन मलार और राजेश कुमार नकवी, बताइए। इकबाल सिंह इसमें लालपुरा होंगे। और वहीं अगर हम लोग राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की बात करें तो 17 मई 1993 में इसकी स्थापना हुई थी, न्यू दिल्ली में आपको देखने को मिल जाएगा। एक आपने देखा होगा बहुसंख्यक होते हैं और अल्पसंख्यक होते हैं, कि आप देखिए कि उनकी संख्या कम देखे भाषाई आधार पर आप देखिए। ठीक, भूपेंद्र पटेल गुजरात के कौन से नए मुख्यमंत्री बने हुए हैं? किस नंबर के हैं, 13वें 17वें 19वें या 21वें? तो याद रखिए 17वें मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, क्योंकि आपने देखा है अभी हाल में ही बदले गए थे। यहाँ की राजधानी की बात करें तो गांधीनगर है गुजरात की, 1 मई 1960 को इसे राज्य बनाया गया था। भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 182 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में आपको 26 सीटें देखने को मिल जाएंगी। तो ये याद रख सकते हैं आप लोग। कौन व्यक्ति आईटी कंपनी याहू के नए सीईओ बने हैं, बताइए? रीनेट नाइबोर्ग, मार्क लेनिंग, एलेक्स फिशर और जिम लांजोन। तो याद रखिए इसमें जिम लांजोन होंगे। याहू के बारे में बात करें तो आपको मालूम होना चाहिए जनवरी 1994 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका कैलिफोर्निया में, आप देखिए यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स में इसका हेडक्वार्टर आपको
देखने को मिल जाएगा, देखने को मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा। किसने यूएस ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? नोवाक जोकोविच, डेनियल मेदवेदेव, डोमिनिक थीम और रोजर फेडरर। तो याद रखिए इसमें डेनियल मेदवेदेव होंगे। क्या करोगे? बी ऑप्शन आप लोग बिल्कुल लगाओगे। रूस की है, आपने देखा होगा, टेनिस खिलाड़ी है। अगला क्वेश्चन है, किसने यूएस ओपन में महिला एकल का खिताब जीता है? वो पुरुषों के बारे में बात की हुई थी, अब हम लोग महिला की बात कर रहे हैं। सिमोना हालेप, एमा रादुकान, लेला एनी फर्नांडीज, स्टेफी ग्राफ। तो याद रखिए एमा रादुकान, ठीक है। और इनके बारे में अगर बात करें तो ये ग्रेट ब्रिटेन की है, ये ठीक है, टेनिस खिलाड़ी है। और कनाडा की लेला एनी फर्नांडीज को इन्होंने हराकर यूएस ओपन महिला एकल का फाइनल खिताब खिताब जीता हुआ है, ठीक है। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे जॉर्ज सैंपियो का 81 वर्ष की उम्र में इनकी डेथ हो चुकी है, मौत हो चुकी है? कहाँ के थे बताइए? पुर्तगाल, यूक्रेन, फ्रांस, पोलैंड। तो याद रखिए ये पुर्तगाल के थे। और आपने देखा होगा कि पुर्तगालों का हमारे ऊपर राज भी रहा है, आपने देखा है कि गोवा पर तो काफ़ी समय तक रहे हैं। इसकी राजधानी लिस्बन है, ठीक है, गोवा की। किसकी? पुर्तगालों की, पुर्तगाली गणराज्य। यूरोप में मिलेगा आपको ये देश, यूरोप महाद्वीप में। कौन भारतीय व्यक्ति एशियाई ओलंपिक परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं बताइए? अर्जुन सिंह, रघुपाल दास, रणधीर सिंह, तिलोक नेहरा। क्या होगा इसमें से? तो इसमें रणधीर सिंह होंगे, ठीक है। एशियाई ओलंपिक परिषद की बात हो रही है, इसे आप लोग OCAV कहते हैं, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। 16 नवंबर 1982 में इसकी स्थापना हुई थी और कुवैत में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। एक खेलों की सर्वोच्च संस्था है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन दुबई का गोल्डन वीजा पाने वाले पहले गोल्फ खिलाड़ी बने? जॉन रहम, जीव मिल्खा सिंह, दुस्तन जॉनसन, फिल मिकेलसन। तो याद रखिए जीव मिल्खा सिंह होंगे इसमें। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 10 साल का प्रतिष्ठित दुबई गोल्डन वीजा इन्हें दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अजीज अखनौज किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? मोरक्को, इथोपिया, नाइजीरिया, युगांडा। तो याद रखिए मोरक्को के बने हुए। कहाँ के? मोरक्को के बने हुए, उत्तरी अफ्रीका का एक देश है मोरक्को, रबत इसकी राजधानी है, रबात इसकी राजधानी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, कौन व्यक्ति राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के नए कार्यवाहक अध्यक्ष बने हैं? राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण की बात हो रही है, इसकी स्थापना 1 जून 2016 को की गई थी, ठीक है। जस्टिस एस एम वेणुगोपाल, जस्टिस डी मिश्रा, जस्टिस एस ए बोबड़े, जस्टिस टी एस ठाकुर। जस्टिस एम वेणुगोपाल होंगे इसमें, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। किस राज्य की सरकार ने किसानों के लिए बाजरा मिशन शुरू किया हुआ है? बाजरा मिशन की बात हो रही है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, असम, केरल। तो याद रखिए छत्तीसगढ़ होगा इसमें, कौन होगा? छत्तीसगढ़ होगा। बाजरा मिशन एक तरह से शुरू किया हुआ है, मुख्यमंत्री यहाँ के भूपेश बघेल ने।
इसका उद्देश्य यही है कि किसानों को छोटी अनाज की फसलों के लिए उचित मूल्य दर प्रदान की जाए, सही रेट एक तरह से उन्हें दिया जाए, क्योंकि किसानों को आप देखते हैं कि सही रेट नहीं मिल पाता है। और 1 नवंबर 2000 में इसे मध्य प्रदेश से अलग करके राज्य बनाया गया था, रायपुर इसकी राजधानी है, जिसे आप लोग अटल नगर भी कहने लगे हैं। और भूपेश बघेल यहाँ के अभी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। 90 सीटें आपको विधानसभा में देखने को मिल जाएंगी, राज्यसभा में 5 सीटें और लोकसभा में 11 सीटें देखने को मिल जाएगी। देखिए, जब तक मध्य प्रदेश का हिस्सा था छत्तीसगढ़, तो क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश सबसे बड़ा था। अब आप देखिए, दूसरे नंबर पर है, राजस्थान पहले पे पहुंच चुका है। 14 सितंबर 2021 को पूरे भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, जिसको मनाने की शुरुआत कब हुई थी? हिंदी दिवस की बात हो रही है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। आप देखते हैं ना कि आपके सामने ऑप्शन क्या गया है, 1950, 1953, 1956 और 1964। तो आपको बता दूं, इसमें 1953 होगा। देखिए, एक और बात बता देता हूं कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। कब? 14 सितंबर को। और 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा एक तरह से दर्जा दिया गया था, हिंदी को बढ़ावा देने के लिए। और इसके अलावा आप लोगों को एक डेट और याद रखना है, विश्व हिंदी दिवस की कभी बात हो तो 10 जनवरी को मनाते हैं उसे, ठीक है। और 1953 में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। अनुच्छेद 343 आप लोगों ने पढ़ा है, अनुच्छेद 343(1) में इसका उल्लेख किया गया है संविधान में, राजभाषा भारत की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ठीक है। और आप देखिए, आजकल हमारे देश में हिंदी की क्या स्थिति है। हिंदी माता की बहुत बुरी स्थिति है हमारे देश में, आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, जब कोई पेपर होता है तो उसमें इंग्लिश से एक तरह से अनिवार्य ही कर दी जाती है। वैसे होना ऐसा चाहिए था कि हमारे देश में कि हिंदी को थोड़ा महत्व तो मिलना चाहिए था ना। किस देश से संबंधित खिलाड़ी लसिथ मलिंगा ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है? ये कहाँ के थे? अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल। तो याद रखिए, श्रीलंका के थे। और मुझे लगता है कि श्रीलंका के बारे में आप लोग जानते होंगे, हमारा पड़ोसी है दक्षिण एशिया में, आप हिंद महासागर के उत्तरी भाग में आपको देखने को मिलेगा, एक द्वीपीय देश है। और इसके बारे में आपको मालूम होगा कि हमारे सांस्कृतिक संबंध काफ़ी रहे हैं, कभी सीता माता रावण आपने देखा होगा, सुना जाता है। और एक बात, और पाक जलडमरू और जो मन्नार की खाड़ी है, इसे ये भारत और श्रीलंका को एक तरह से अलग करते हैं, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। किसे वर्ष 2021 का स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार दिया गया है? नीरज चोपड़ा, अवनी लेखरा और तेजपाल सिंह और आनंद कुमार को। तो याद रखिए, इसमें आनंद कुमार को दिया गया है। 2021 का स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार किसे दिया गया है? आनंद कुमार को दिया गया है। अब आप करेंगे कि आनंद कुमार कौन है? आपको बता दूं कि SOFR 30 जैसी क्रांतिकारी शिक्षा योजना के जरिए देश में एक मूक सामाजिक परिवर्तन लाकर समाज के वंचित तबके के सैकड़ों बच्चों को IIT समेत भारत के जो टॉप एक तरह से आप देखिए परीक्षाएं होती है उसमें पास करवाते हैं आनंद कुमार, आप समझ रहे हैं। काफी इन पर एक मूवी भी बनी हुई है, इन्हें काफी पुरस्कार भी दिए गए हैं, तो इन्हें स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार भी दिया गया है। स्वामी ब्रह्मानंद के बारे में बात करें तो आप सभी जानते हैं कि हमारे रामकृष्ण मिशन के प्रथम संघ अध्यक्ष थे,
21 जनवरी 1863 में इनका जन्म हुआ था, 10 अप्रैल 1922 में इनकी डेथ हो गई थी। तो ये आप लोग अगला क्वेश्चन है हमारा कि हर साल 15 सितंबर को किनके जन्म दिवस पर पूरे भारत में इंजीनियर डे मनाया जाता है। आप लोगों ने बीटेक किया होगा, बीई किया होगा, तो आप लोगों को मालूम होगा इंजीनियर डे की बात हो रही है यहाँ। ए ऑप्शन कह रहा है मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया, और बी कह रहा है सतीश धवन, और सी कह रहा है विक्रम साराभाई, और डी कह रहा है बैरगे से कुरियन। आप लोगों को बताना इसमें से कौन होगा ऑप्शन सही है आपका। इंजीनियर डे की बात हो रही है, समझ रहे हैं आप लोग? तो याद रखिए ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया। ठीक है, ए ऑप्शन आपका कैसा रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा। क्या रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा। देखिए भारतीय लेवल पर मनाया जाता है, पूरी दुनिया में नहीं मनाते ऐसे, ये भी आप लोग याद रखना चाहिए। और ऐसे दिवस को इसलिए मनाया जाता है कि देश में जो इंजीनियर होते हैं इनके प्रति सम्मान, उनके कार्यों की सराहना हो सके, क्योंकि आप देखते हैं कि इनका किस तरह का हाल रहता है, आपने भी देखा होगा। पहले आप देखिए कि आज से कुछ सालों पहले अगर आप जाओगे तो इंजीनियरों की बहुत इज्जत हुआ करती थी, सम्मान हुआ करता था, लेकिन आज आप देखिए कि क्या, अगर किसी का बेटा, अगर बच्चा वो करता है इंजीनियर, तो उसका बाप बोल देता है, रोक देता है। आप सभी जानते हैं इस बात को, मुझे नहीं बताने की जरूरत नहीं है, तो ये याद रखना चाहिए। और इनके अगर हम लोग मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया के जन्म की बात करें तो मैसूर के कोलार जिले में 15 सितंबर 1860 को हुआ था, और उनके योगदान को देखते हुए 1968 में उनकी जन्मतिथि को ही अभियंता दिवस यानी कि इंजीनियर डे के रूप में मनाने की घोषणा हुई है। उसके बाद हर साल आप देखेंगे 15 सितंबर को आप लोग इस डे को मनाते हैं, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, किस पुरुष खिलाड़ी को अगस्त 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मिला है। और एक बात आपको बता दूं कि हर महीने में मिलता है, लगभग आप देख रहे होंगे, और इसमें आप लोग पुरुषों का भी याद रखा कीजिए, महिलाओं का भी याद रखा कीजिए। इसमें पहला है डेविड मलान, रोहित शर्मा, जो रूट और शाहिद अफरीदी। बताइए क्या करोगे इसमें? तो इसमें आप लोग लगाएंगे क्या? जो रूट, ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। और आईसीसी की बात करें तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसे आप लोग कहते हैं, और इसकी स्थापना 15 जून 1909 में हुई थी, और दुबई यूनाइटेड अरब अमीरात में इसका आप लोगों को मुख्यालय देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, किस महिला खिलाड़ी को अगस्त 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है। मैंने बोला था ना कि पुरुषों की बात होगी, उसके बाद महिलाओं की बात होगी, और आप चाहे तो पहले महिलाओं की बात कर सकते हैं, कोई भेदभाव नहीं रहना चाहिए। आज के समय में तो आप सभी जानते हैं कि महिलाएं पुरुषों से आगे तरक्की कर रही हैं। सना मीर, एमियर रिचर्डसन, कैथरीन हेलेन और मेगन लेंसिंग। तो इसमें याद रखिए एमियर रिचर्डसन, ठीक है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, हर साल यानी कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस का मनाया जाता है। देखिए लोकतंत्र केवल कहना, किसी देश को लोकतांत्रिक देश कहना, ये नहीं होता है कि वो उसमें चुनाव होता है, आप लोग वोट डालने जाते हैं, आपको मतदाता मतदान करने का एक तरह से अधिकार दे दिया जाता है। ये होता है कि उस देश का व्यक्ति कितना खुश है, अपनी सरकारों से उसे कुछ फायदा मिल रहा है, वो बोल पा रहा है या नहीं, वो अपना संगठन जो भी काम करता है उसमें आज़ादी है या नहीं है, समझ रहे हैं? इन बातों को ध्यान में रखते हुए आपने देखा होगा आपका लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र कहा जाता है उस देश को। और आप देखिए कि चाइना को देख लीजिए, आप सभी जानते हैं कि वहां अधिकारों के लोगों के अधिकारों का कोई महत्व नहीं रहता है, वहां अगर कोई बोलता है तो उन्हें तुरंत दबा दिया जाता है या उन्हें मिटा दिया जाता है। हमारे देश में काफी हद तक आप देखते हैं कि लोकतांत्रिक है, लेकिन ये बहुत मायने रखता है कि वर्तमान में आप देखेंगे कि जो भी लोकतांत्रिक से जो सूचकांक आते हैं उसमें हमारी स्थिति नीचे गिरते जा रही है, क्योंकि आप देखते होंगे कि हमारे यहाँ जो आंदोलन होते हैं उन्हें किस तरह से सरकार के द्वारा दबाया जाता है, या सरकारों के अधिकार, जो लोगों के अधिकार हैं उन्हें उनके अधिकार नहीं दिए जाते, तो
तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए इंडेक्स जारी किए जाते हैं, तो उसमें हमारी स्थिति नीचे रहती है। आप सभी लोगों को मालूम होगा कि संविधान का भाग 3 आपको मौलिक अधिकार उपलब्ध कराता है। अगर आपके मौलिक अधिकारों से कोई छेड़छाड़ करता है, सरकार करती है या कोई और व्यक्ति करता है, तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट आप लोग 32 आर्टिकल 32 के तहत जा सकते हैं, 226 के तहत आप लोग हाई कोर्ट जा सकते हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आपके अधिकारों की रक्षा करेगा, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि हमारे देश में अपने अधिकारों को लेकर लोग कम जागरूक हैं। ठीक है, इसमें 15 सितंबर या फिर आपका 16 सितंबर, 18 सितंबर, 19 सितंबर, तो याद रखिए 15 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की बात हो रही है। कब? 15 सितंबर को, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, 16 सितंबर 2021 को विश्व ओजोन दिवस मनाया गया है, और इस दिवस को पहली बार कब मनाया गया था? एक बात और देखिए, याद बता दूं आपको, विश्व ओजोन दिवस, इससे क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं, कई बार, आपको बता रहा हूं ना, कई बार का मतलब समझिए 1990 में, 1995 में, 1999 में, सन 2002 में। तो याद रखिए इसमें आपका क्या लगाओगे, 1995, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। क्या होगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। और आप सभी जानते हैं कि जो ओजोन परत है, ये ऊपर से जो हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणें आती है, इन्हें रोकती है और हमारे हमारी त्वचा हो, आप देखिए हमारे शरीर को हानिकारक जो किरणें होती है उनसे रक्षा करती है। और आप देखिए जो, और इसके ओजोन परत के विषय में लोगों को जागरूक करने के लिए कि लोग कम प्रदूषण फैलाएं, तो इसीलिए मनाया जाता है। पहली बार 1995 में मनाया गया था। कब? 1995 में। और इस बार की अगर हम लोग थीम की बात करें तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, हमें हमारे भोजन और टीकों को ठंडा रखना, ठीक है, इस बार की थीम रखी गई है, तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, कौन व्यक्ति मालदीव में भारत के नए उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं? राजन शुक्ला, मुनु महावर, छोटू माधव, गजेंद्र सिंह। तो याद रखिए इसमें बी ऑप्शन आपका सही रहेगा, मुनु महावर। और मालदीव आप सभी जानते हैं कि जलीय सीमा लगती है हमारी मालदीव, आपको ये देखने को मिल जाएगा। मालदीव की अगर बात करें तो मालदीव की राजधानी है, एशिया में ही पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, किस देश ने संबंधित खिलाड़ी बर्डन ट्रेलर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? इंग्लैंड की थी, जिम्बाब्वे की थी, या आयरलैंड की, ऑस्ट्रेलिया की? तो याद रखिए जिम्बाब्वे के थे। एक बात और आपको बता दूं, देखिए इन देशों के बारे में यहाँ मैं बड़े विस्तार से बात नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जब हम लोगों ने विश्व का भूगोल कवर किया हुआ था, उसमें जो मैप वाला पार्ट हम लोगों ने कवर किया हुआ था, तो उस समय हम लोगों ने विस्तार से मैप का सहारा लेकर एक एक पॉइंट को देखा था। तो मैप के नाम से आपकी प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है, वहां जाकर आप लोग पढ़ते रहिए। तो इसकी राजधानी हरारे है। क्या है? हरारे है, ठीक है, याद रखिए, जिम्बाब्वे की, अफ्रीका का महाद्वीप में आपको देखने को मिलेगा ये। ठीक है, कौन भारतीय महिला अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की नई अध्यक्ष बनी है? कौन भारतीय महिला अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की अध्यक्ष बनी है? ये ऑप्शन कह रहा है रश्मि शर्मा, अजंता बोहरा, शेफाली जुनेजा और दीपिका सिन्हा। तो याद रखिए शेफाली जुनेजा होंगी इसमें। और इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो 4 अप्रैल 1947 को इसका स्थापना हुई थी, और कनाडा में इसका आपको क्या देखने को मिलेगा, हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किस भारतीय खिलाड़ी ने एशियाई स्कूनर चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता है? किस भारतीय खिलाड़ी ने एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता है? आदित्य मेहता, पंकज आडवाणी और गीत सेट्टी, यासीन मर्जेंट। तो याद रखिए इसमें पंकज आडवाणी होंगे, ठीक है, क्या होंगे? पंकज, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी भवानी रॉय का 75 वर्ष की उम्र में इनकी मौत हो चुकी है, निधन हो गई, यानी कि डेथ हो चुकी है, किस खेल से जुड़े थे? फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, टेनिस। तो याद रखिए फुटबॉल से जुड़े हुए थे, इसमें आपका क्या रहेगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। और रॉय ने 1969 में मर्डिका कप में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, और 3 मैचों में भारतीय भारत का ये प्रतिनिधित्व कर चुके थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, कौन राष्ट्रीय लघु
उद्योग निगम लिमिटेड की नई अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनी है। फिर से सुन लीजिए, कौन राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड NSIC की नई अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनी है? विशाखा जैन, बी कह रहा है बिमला त्रिपाठी, सी कह रहा है रजनी चौकसी और अलका अरोड़ा। तो बताइए इसमें अलका अरोड़ा होंगी। अलका अरोड़ा को राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड का अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक बनाया गया है। और इसकी बात करें अगर हम लोग नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन की, तो इसकी 1955 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, और न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, हर साल प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस कब मनाया जाता है? अब आप देखिए कि समान वेतन क्या मिलता है सभी को, समान मजदूरों में देख लीजिए आप लोग, उनके साथ भी भेदभाव किया जाता है, तो आप समझ सकते हैं क्या स्थिति रहती है। 15 सितंबर को, 16 सितंबर को, 18 सितंबर को, 19 सितंबर को, तो याद रखिए 18 सितंबर को ये मनाया जाता है। 18 सितंबर को क्या होता है, इसे मनाते हैं हम लोग। और इसे अगर मनाने की बात हो तो समाज के सभी वर्गों को एक समान वेतन देने के लिए लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। और इस दिवस को पहली बार 2020 में मनाया गया था। कब? 2020 में। और इस बार की अगर हम थीम की बात करें तो समान मूल्य के कार्य के लिए समान वेतन एक तरह से विषय रखा गया है इसका। एक बात और आपको बता दूं, देखिए ये मालूम होना चाहिए कि महिलाओं में हमारे अभी भी हमारे देश में महिलाओं को कम वेतन दिया जाता है पुरुषों की तुलना में, समझ रहे हैं, और कई इस तरह के भेदभाव आपको देखने को मिल जाएंगे। चरणजीत सिंह चन्नी किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? छत्तीसगढ़, पंजाब, गोवा और गुजरात। तो आप सभी को मालूम होना चाहिए ये पंजाब के हैं। कहाँ के हैं? पंजाब के हैं। अगर पंजाब के बारे में हम लोग बात करें तो आप सभी जानते होंगे कि पंजाब क्रांतिकारियों की धरती रहा है। आप देखिए इतिहास आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोगों को बेहतर इसके बारे में मालूम भी होगा। 1 नवंबर 1966 को राज्य बनाया गया था इसे। चंडीगढ़ इसकी राजधानी है। चरणजीत सिंह चन्नी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और विधानसभा में 117 सीटें देखने को मिलेगी, राज्यसभा में आपको 7 सीटें और लोकसभा में 13 सीटें देखने को मिल जाएगी। पाकिस्तान से लगा हुआ राज्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने केटली मछली को राज्य मछली घोषित किया है? नागालैंड, मणिपुर, असम, सिक्किम। तो याद रखिए इसमें सिक्किम होगा आपका। क्या होगा? सिक्किम होगा। और सिक्किम के बारे में अगर बात करें तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कुछ पॉइंट, तो सिक्किम के बारे में मालूम होना चाहिए ना कि इसे 10 अप्रैल 1975 में गठन किया गया था इसका। और प्रेम सिंह तमांग यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और विधानसभा में 32 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में भी 1 सीट आपको देखने को मिलेगी। गंगटोक इसकी राजधानी है सिक्किम की, नेपाल से लगा हुआ है आप देखते हैं ना। और ये आपका भूटान भी आपको देखने को मिल जाएगा यही, और आपको यही आपका क्या देखने को मिल जाएगा, चाइना भी। चलिए आगे, कौन सबसे अधिक बार एमी अवार्ड जीतने वाले आश्वेत व्यक्ति बने हैं? एलेक्जेंडर टोनी, रूपॉल प्राइम टाइम, युगारस मैथू और पीटर मॉर्गन। तो याद रखिए इसमें रूपॉल प्राइम टाइम बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। एमी अवार्ड इन्हें जीतने वाले आश्वेत व्यक्ति बने हैं, ठीक है। और इसे फर्स्ट अवार्ड 25 जनवरी 1949 में दिया गया था पहली बार एमी अवार्ड, ठीक है। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं इनके बारे में। और टेलीविजन की जानी मानी हस्ती है ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फिलहाल। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन व्यक्ति फेसबुक इंडिया के पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर बने हैं? पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर बने हैं मनोज शर्मा, रमेश वाजपेयी, राजीव अग्रवाल, जमन बोहरा। तो याद रखिए इसमें राजीव अग्रवाल होंगे। और आपको फेसबुक के बारे में बताएं तो आप सभी को मालूम है कि एक सोशल साइट है और फेसबुक पर आप लोग एक्टिव भी होंगे। और फरवरी 2004 में इसकी स्थापना की गई थी, समझ रहे हैं आप। इसका हेडक्वार्टर आपको कैलिफोर्निया USA में देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। किस अभिनेता को हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की है? परेश रावल, अनुपम खेर, नाना पाटेकर, अमिताभ बच्चन। तो अनुपम खेर इसमें होंगे, क्या होंगे? अनुपम खेर होंगे इसमें। तो हिंदी यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका ने अभिनेता अनुपम खेर को हिंदू अध्ययन में डॉक्टरेट की PhD की मानद उपाधि दी हुई है।
और बता दें कि फ्लोरिडा स्थित विश्वविद्यालय ने 18 सितंबर को एक विशेष कार्यक्रम में एक्टर को हिंदू अध्ययन में PhD की मानव उपाधि प्रदान की थी। ये भी आप लोग याद रख सकते हैं, रख क्या सकते हैं, रखना चाहिए, क्वेश्चन आ जाएगा फिर पछताएंगे हम लोग। कौन VRO की सड़क निर्माण कंपनी की कमान संभालने वाली प्रथम महिला सैन्य अधिकारी बनी है? कौन VRO की सड़क निर्माण कंपनी की कमान संभालने वाली प्रथम महिला सैन्य अधिकारी बनी है? बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, जिसे आपको मालूम होगा कि इसकी स्थापना 7 मई 1960 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा, उसी की बात कर रहे हैं। इसमें आशा चोपड़ा, मीनाक्षी मेघवाल, वर्षा आप्टे, आईना राणा, तो याद रखिए इसमें आईना राणा होंगी। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश के पूर्व फुटबॉलर रहे जिमी ग्रेव्स का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, यानी कि मौत हो चुकी है? इंग्लैंड के थे, ब्राजील के थे, बेल्जियम के थे, स्पेन के थे? तो याद रखिए ये आपके इंग्लैंड के थे। कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। और इंग्लैंड के बारे में आप सभी को अगर बताना चाहूँ कुछ खबरें, तो यूरोप में आप देखते हैं एक देश है और इसकी राजधानी लंदन है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, आर राजा ऋत्विक भारत के कौन से नए ग्रैंड मास्टर बने हैं? आर राजा ऋत्विक भारत के कौन से नए ग्रैंड मास्टर बने हैं? 67वें, 69वें, 70वें या फिर आपके 74वें? तो याद रखिए 70वें बने हुए हैं, 70वें नंबर के। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। इसमें क्या रहेगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। और इससे पहले आपने देखा होगा पुणे के हर्षित राजा पिछले महीने ही भारत के 69वें ग्रैंड मास्टर बने थे और ये 70वें हैं, ठीक है। हंगरी प्रतियोगिता में इन्होंने दौरान तीसरा अंतिम ग्रैंड मास्टर नॉर्म हासिल किया है। अगला क्वेश्चन है हमारे साथ, जारी वर्ष 2021 की वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? वैश्विक नवाचार सूचकांक की बात हो रही है 2021 के, 28वां, 41वां, 46वां या 52वां, बताइए। तो मुझे लगता है कि आप सभी को मालूम होना चाहिए कौन सा स्थान मिला है, 46वां मिला है हमें। और इसके बारे में अगर हम और पॉइंट की बात करें तो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021, जिसे आप लोग GII भी कहते हैं, इसमें भारत की स्थिति 46वें नंबर पर है, भारत, समझ रहे हैं। और इसमें 132 अर्थव्यवस्थाओं के संदर्भ में एक तरह से जारी किया गया था। और इसे आपका वैश्विक जो बौद्धिक संपदा संगठन के बारे में सुने हो, जिसे आप लोग विपो भी कहते हैं, इसी के द्वारा ये जारी किया जाता है, जो संयुक्त राष्ट्र की एक क्या है, एजेंसी है। क्या है? संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है। अगर हम लोग संयुक्त राष्ट्र के बारे में बात करें तो 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क में इसका USA में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा, मुख्यालय। और बौद्धिक संपदा संगठन की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि इसकी स्थापना 14 जुलाई 1967 में हुई थी इसकी, ठीक है। इसका मुख्यालय आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिल जाएगा, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसमें अगर हम लोग एशियाई देशों की बात करें तो आपको मालूम होना चाहिए इसमें सिंगापुर आपका 8वें नंबर पर है, चीन 12वें नंबर पर, जापान 13 और हांगकांग आपका 14वें नंबर पर है। और भारत को आप देखिए 46वां स्थान मिला है। और अगर हम लोग टॉप की पांच की बात करें तो स्विट्जरलैंड, स्वीडन, अमेरिका, USA, स्विट्जरलैंड आपका पहले नंबर पर, स्वीडन, फिर उसके बाद अमेरिका देखेंगे, फिर UK देखेंगे, ये आपको टॉप पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। ये भी आप लोग याद रख सकते हैं, रखना चाहिए मुझे लगता है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस सितंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, आज आप देखिए आजकल अब शांति गायब है लोगों की जिंदगी से, 19 तारीख, 21 तारीख को, 22 तारीख को या 25 तारीख को, बताइए। तो याद रखिए ये आपका 21 सितंबर को मनाया जाता है। कब? 21 सितंबर को मनाया जाता है। और आपको बता दूं कि इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र ने 1981 में की थी, जिसके बाद से पहली बार इसे इस साल 1982 में सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को मनाया गया था, जिसके बाद से 1982 से लेकर साल 2001 तक अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस को सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को मनाया गया। वहीं संयुक्त राष्ट्र ने साल 2002 में इसे 21 सितंबर को मनाए जाने की घोषणा की थी, जिसके बाद से अभी तक आप देखेंगे कि 21 सितंबर को ही आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है।
ये आप लोग जरूर याद रखेंगे। और इस बार की थीम की अगर बात करें हम लोग, क्या किसकी? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की क्या रही है इस साल की थीम? इस साल की थीम रही है आपकी रिकवरिंग बेटर फॉर एन इक्वेटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड, ठीक है, ये इस बार की थीम रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिलहाल अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, स्टील कंपनी गैलेंट ग्रुप ने किस आगामी 2 वर्ष के लिए अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है? इनमें से बताइए, कपिल शर्मा को, अजय देवगन को, शुभमन गिल को, नीरज चोपड़ा को, किसे बनाया हुआ है? तो याद रखिए अजय देवगन को बनाया हुआ है। आप लोग अजय देवगन को तो जानते होंगे, अभिनेता हैं आपके, तो उन्हीं की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, किसे राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? एन एस मिश्रा, एस बी सरस्वती, ए के चौधरी, पी के मंधाना। तो याद रखिए एस बी चौधरी होंगे, एस बी, माफ करिए, एस बी सरस्वती होंगे। इसमें क्या होगा? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। ये आपके सैन्य नर्सिंग सेवा की उप महानिदेशक रही हैं ब्रिगेडियर एस वी सरस्वती। इनको राष्ट्रीय फ्लोरेंस आपका ये नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। राष्ट्रीय फ्लोरेंस फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक महिला थी और 12 मई 1820 को इनका जन्म हुआ था, 13 अगस्त 1910 को इनका डेथ हो गई थी। उन्हीं की याद में एक तरह से मनाया जाता है। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, कौन व्यक्ति भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख नियुक्त किए गए हैं? भारतीय वायुसेना के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं नए, एन वी जायसवाल, के माथुर, बी आर चौधरी, डी के रंधावा, कौन होंगे इसमें? तो आपको बता दूं कि इसमें होंगे आपके बी आर चौधरी, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आप सभी जानते हैं भारतीय वायुसेना की बात करें तो 8 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। देखिए भारतीय सशस्त्र सेना का एक अंग है, वायु युद्ध के लिए, आसमान में युद्ध लड़ने के लिए एक तरह से इसका गठन किया गया है। प्रतिवर्ष 22 सितंबर को विश्व गुलाब दिवस किस रोग से पीड़ित लोगों के लिए मनाया जाता है? गुलाब, आप देखिए ये प्रतीक ही कुछ और है, गुलाब दिवस, लकवा, अल्जाइमर, कैंसर, मधुमेह। तो याद रखिए कैंसर के लोगों के लिए एक तरह से ये मनाया जाता है। किसके? कैंसर के पीड़ित लोगों के लिए मनाया जाता है। आपको बता दूं कि ये हर साल मनाते हैं सितंबर को, 22 सितंबर को, कैंसर पेरेंट्स और उनकी साहस को समर्पित करने के लिए विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है। देखिए जो कैंसर कैंसर रोगी होते हैं, खुशी उनके चेहरे पर खुशी लाना है, उन्हें एक तरह से हिम्मत देने के लिए। और ये दिन एक 12 साल की नन्ही बच्ची मिलिंडा रोज की याद में मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कौन व्यक्ति नेपाल के नए विदेश मंत्री बने हैं? कौन व्यक्ति नेपाल के नए विदेश मंत्री बने हैं? नारायण खड़का, जगदीश लोमरो रोर, राजन पाठक, विश्वास इस यसुदर्शी। तो याद रखिए इसमें नारायण खड़का होंगे। और आप सभी को मालूम होना चाहिए कि नेपाल हमारा पड़ोसी है, हमारी संस्कृति काफ़ी मिलती जुलती है नेपाल से। और इसकी राजधानी की बात करें तो क्या है? काठमांडू है, पता है आपको। और चाइना के से लगी हुई इसकी सीमा है, आजकल चाइना की भाषा बोलता है। किस भारतीय ने यूएन में अपना एसडीजी एडवोकेट नियुक्त किया है? सागर जायसवाल। किस भारतीय को यूएन ने अपना एसडीजी एडवोकेट नियुक्त किया है? सागर जायसवाल, राजेंद्र धीरज, कैलाश सत्यार्थी, रमन भट्टाचार्य। तो
तो याद रखिए कैलाश सत्यार्थी है और बचपन बचाओ, बच्चों की जिंदगी को सुधारने का काम किया है कैलाश सत्यार्थी ने। और आपको मालूम होगा कि इन्हें नोबेल पुरस्कार भी, शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। 11 जनवरी 1954 को इनका जन्म हुआ था विदिशा में, मध्य प्रदेश के हैं, ठीक है। सामाजिक कार्यकर्ता है, बाल अधिकार, तो अच्छी बात है, बच्चों की जिंदगी को बचाना एक अच्छी बात है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस सितंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को, 23 सितंबर को, या 20 सितंबर को, या 18 सितंबर को? तो याद रखिए 23 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 सितंबर को आपका मनाया जाता है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। जो आपका इतिहास की बात करें तो इस दिन का प्रस्ताव वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द डेफ, जिसे आप लोग WFD भी कहते हैं, इससे आया था। दुनिया भर में 70 मिलियन बाधिर लोगों को के मानवाधिकारों का प्रतिनिधित्व करने वाली बाधिर लोगों की 135 राष्ट्रीय संघों का एक संघ है। और 23 सितंबर का चयन इस तारीख को याद करता है जब 1951 में आपकी वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द डेफ की इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस पहली बार 2018 में मनाया गया था। तो ये भी आप लोग क्या करिए, याद रखा करिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने किससे नागरिक उड्डयन मंत्रालय के नए सचिव के रूप में नियुक्ति दी हुई है? अंशु प्रकाश, राजीव बंसल, प्रदीप खरोला, अनुराग जैन? तो याद रखिए इसमें राजीव बंसल होंगे आपके, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन बनाया गया है? हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, या पश्चिम बंगाल, या आपका आंध्र प्रदेश? तो याद रखिए हिमाचल प्रदेश बनाया गया। अगर चार्जिंग की व्यवस्था हो जाती है हमारे देश में, तो हमारे देश में इलेक्ट्रिक गाड़ियां चल सकती है, इसमें कोई दोराय नहीं होनी चाहिए, बस चार्जिंग की व्यवस्था अच्छे से हो जाए। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि लंबी दूरी तय करनी है आपको, तो इतना टाइम नहीं है आपके पास कि आप चार्जिंग की व्यवस्था करते रहेंगे। इसके लिए आप देखते हैं कि पेट्रोल आप लोग महंगा एंड पड़ता है, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप लोग उसे ही पसंद करते हैं। और शिमला के, अगर हम लोग हिमाचल प्रदेश के बारे में बात करें, तो शिमला इसकी राजधानी है, दूसरी राजधानी धर्मशाला है। और 25 जनवरी 1971 को इसे एक तरह से आप देखते हैं कि क्या बनाया गया था, राज्य बनाया गया था। और यहाँ के जयराम ठाकुर यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 68 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 4 सीटें हैं। तो इन सबको आप लोग याद रख सकते हैं। कौन अभिनेता यूनाइटेड किंगडम की रॉयल नेवी में मानद कमांडर नियुक्त किए गए हैं? डेनियल क्रेग, टॉम हार्डी, गैरी ओल्डमैन, मार्टिन फ्रीमैन? तो याद रखिए इसमें डेनियल क्रेग होंगे, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। क्या रहेगा? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रतिवर्ष यानी कि हर साल 25 सितंबर को भारत में अंत्योदय दिवस किनकी जयंती पर मनाया जाता है? नानाजी देशमुख, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, राम मनोहर लोहिया, अटल बिहारी वाजपेयी? बताइए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ए बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगर हम लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में अगर बात की जाए और अंत्योदय के बारे में अगर हम लोग बात करें कुछ, तो ये गरीबों और एक तरह से पिछड़े लोगों को आवाज उठाते रहे हैं, और अंत्योदय शब्द का मतलब होता है उत्थान। और पंडित दीनदयाल की अगर बात हो तो 25 सितंबर 1916 में इनका जन्म हुआ था, 11 फरवरी 1968 में इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 26 सितंबर 2021 को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस मनाया गया है, जिसे प्रतिवर्ष मनाया जाता है। बताइए, सितंबर महीने के आखिरी मंगलवार को, सितंबर महीने के आखिरी बुधवार को, सितंबर महीने के आखिरी शुक्रवार को, सितंबर महीने के आखिरी रविवार को? तो सितंबर महीने के आखिरी रविवार को ये मनाया जाता है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा, अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस की बात हो रही है, और बेटियों को बेटों से कम नहीं समझना चाहिए। इसके उदाहरण आजकल आप लोग दुनिया में देख भी रहे हैं। और ध्यान दें आप लोग कि लड़कियों के सम्मान के लिए संयुक्त राष्ट्र ने पहली बार 11 अक्टूबर 2012 में इसे मनाने का एक तरह से ऐलान किया था।
क्या किया था, ऐलान किया था। तो ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिलहाल अगला क्वेश्चन हमारे सामने, प्रतिवर्ष यानी कि हर साल विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? पर्यटन मतलब होता है, देखिए एक देश से आप एक जगह से दूसरी जगह घूमने जाते हैं, और आप देखिए हमारी इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा हिस्सा योगदान रहता है पर्यटन का। आप देखते हैं कि दुनिया भर के लोग हमारे यहाँ घूमने आते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उन्हीं की बात हो रही है। 23 सितंबर, 27 सितंबर, 28 सितंबर और 25 सितंबर। तो याद रखिए 27 सितंबर को ही मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को। और एक तरह से 27 सितंबर को दुनिया भर में पर्यटन के महत्व को बढ़ावा और आम जनता को यह दिखाना कि पर्यटन न केवल देश के आर्थिक मूल्यों को प्रभावित करता है, बल्कि देश से क्षेत्र के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक मूल्यों को भी ये प्रभावित करता है, इसका उद्देश्य यही रहता है। ठीक है। और विश्व पर्यटन की अगर हम लोग थीम की बात करें, समावेशी विकास के लिए पर्यटन इस बार की थीम रखी गई है, समावेशी विकास के लिए पर्यटन। ये आप लोग याद रखिएगा। तो ये आप लोग याद रखिएगा, याद रखना भी चाहिए मुझे लगता है कि ना रखोगे याद। और इसकी शुरुआत 1980 में, इसकी शुरुआत 1980 में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा स्थिति का चुनाव किया गया था। ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल हम लोग अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति वर्ष 2020-21 के लिए ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन यानी कि ईबीसी के नए अध्यक्ष बने हैं? नवीन उलहाकर, देवव्रत मुखर्जी, प्रवीण पुनिया, राजप्रसाद तोमर। तो बताइए कौन बने हैं? देवव्रत मुखर्जी बने हुए हैं, यानी कि बी ऑप्शन आप लोग लगाएंगे। और इसके बारे में, ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के बारे में बात करें, तो 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। कौन T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी बने? सुरेश रैना, MS धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा। तो याद रखिए विराट कोहली होंगे। कौन होंगे? विराट कोहली होंगे। कौन व्यक्ति भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं? भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं निर्मल राठौर, यशस्वी प्रधान, अजीत चौधरी, संदीप सिंह। तो याद रखिए संदीप सिंह बने हैं। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। इसमें क्या रहेगा? डी ऑप्शन। 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया गया, और इस दिवस को प्रतिवर्ष किनकी पुण्यतिथि पर मनाया जाता है? लुईस पाश्चर, मैरी क्यूरी, माइकल फराडे, जे थॉम्सन। तो बताइए किसकी याद में मनाया जाता है इसे? बताइए कुछ। तो याद रखिए लुईस पाश्चर की याद में मनाया जाता है एक तरह से इसे। किसकी? लुईस पाश्चर की याद में मनाया जाता है। और इसके बारे में अगर हम लोग बात कर रहे हैं, रेबीज को आप लोग जानते होंगे, 28 सितंबर को ये मनाया जाता है। यही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रेबीज एक जूनोटिक बीमारी है जो जानवरों से इंसानों में फैलती है, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। और इसके इतिहास की बात करें, तो पहली बार रेबीज दिवस 28 सितंबर 2007 को मनाया गया था, ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। ठीक है। और इस बार की थीम की बात करें, तो इस बार की थीम रखी गई रेबीज तथ्य डर नहीं। ठीक है, ये आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पहले और लुई पाश्चर को आप लोग जानते होंगे, इसके रेबीज के टीके की बात की थी इन्होंने, और इनका जन्म 27 दिसंबर 1822 में हुआ था, और 28 सितंबर 1895 में इनकी डेथ हुई थी। तो उसी याद को एक तरह से जिस दिन ये खत्म हुए थे उन्हीं की याद में मनाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, कौन महिलाओं की के बहुमत वाली संसद चुनने वाला यूरोप का पहला देश बना है? ग्रीस, जर्मनी, इटली, आयरलैंड। तो याद रखिए आयरलैंड नहीं, आइसलैंड। ठीक है, क्या? आइसलैंड। और एक बात हमेशा याद रखिए, आइसलैंड हो या यूरोप के और भी देश हो, ये आपको हमेशा टॉप पर देखने को मिलेगा। यहाँ महिलाओं के साथ भेदभाव ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। और आयरलैंड की कुल 63 संसदीय संसद में 33 सीटों पर महिला उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। और यहाँ प्रधानमंत्री कैटरीन जैकब्स दातीर के नेतृत्व वाली निवर्तमान गठबंधन सरकार के तीनों दलों ने 37 सीटें जीती थी। और फिलहाल आय
आइसलैंड की गठबंधन सरकार ने 25 सितंबर को हुए चुनाव के बाद देश में 63 सीटें वाली संसद में अपना बहुमत 35 से बढ़ाकर 37 कर लिया है और ये चल रही है सरकार। और इसकी अगर हम लोग आइसलैंड की बात करें तो यूरोप में आपको देखने को मिलेगा और इसकी राजधानी रेक्यावीक है, ठीक है, याद रखिएगा इसे रेक्यावीक। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, आप देखिए आधी महिलाओं की जनसंख्या है लगभग और आधी पुरुषों की, तो मुझे लगता है कि हमारे देश में भी इतना तो कम से कम होना चाहिए, क्योंकि महिलाओं की समस्याएं क्या हैं, उन समस्याओं का किस तरह से समाधान कर सकते हैं, इसे मुझे लगता है पुरुषों की तुलना में महिलाएं बेहतर समझ सकती हैं, ठीक है। कौन गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, कौन गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी हुई है, आशाबेन पटेल, नीमाबेन आचार्य, ज्योतिबेन शर्मा, गीताबेन पटेल। तो याद रखिए इसमें आपका नीमाबेन आचार्य होंगी, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। और गुजरात के बारे में आप लोग जानते होंगे, मुख्यमंत्री पहले यहाँ के कौन रहे हैं, नरेंद्र मोदी साहब रहे हैं, और 1 मई 1960 को इसे राज्य बनाया गया था, गांधीनगर यहाँ की राजधानी है, और अभी अगर वर्तमान की बात करें तो भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 182 सीटें हैं, राज्यसभा में आपको 11 सीटें देखने को मिलेगी और लोकसभा में यहाँ 26 सीटें देखने को मिल जाएंगी आपको, ठीक है। कौन व्यक्ति राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के 34वें महानिदेशक बने हुए, एनसीसी के 34वें महानिदेशक बने हुए, बताइए इसमें कौन क्या लगाओगे आप लोग, जसवंत सिंह, अनुपम मिश्रा, प्रेमचंद द्विवेदी, गुरबीर पाल सिंह। तो याद रखिए इस पे गुरबीर पाल सिंह होंगे, ठीक है। एनसीसी आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, आप लोग करते भी हैं एनसीसी, 10th 12th में होते तब उस समय आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। इसका मोटो रखा गया है राष्ट्रीय कैडेट कोर का एकता और अनुसंधान, और 16 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई थी और हेडक्वार्टर में इसका न्यू दिल्ली में देखने को मिल जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन है, इंग्लिश क्रिकेटर मुईन अली ने क्रिकेट के किस प्रारूप से संन्यास लेने की घोषणा की हुई है, इंग्लिश एक तरह से क्या है क्रिकेटर, T20, टेस्ट, वनडे या सभी प्रारूपों से, बताइए कहाँ से, तो या सभी कहाँ से, इन्होंने टेस्ट से ली हुई है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा, क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर है ये मुईन अली, ठीक है, तो आप लोग याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि हर साल यानी कि प्रति वर्ष विश्व हृदय दिवस वर्ल्ड हार्ट डे कब मनाया जाता है, 25 सितंबर को, 22 सितंबर को, 27 सितंबर को या 29 सितंबर को, विश्व हृदय दिवस की बात हो रही है। कहते हैं ना कि दिल लग गया, लेकिन मेरा मानना है दिल रो रहा है, कई लोग कहते रहते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि दिल का काम है देखिए क्या करना, धड़कना, इसे और दूसरा काम मत दीजिए, और ना मुझे लगता है कि ये कर पाएगा, अगर आप लोग देते भी हैं तो ये नहीं कर सकता है। तो 29 सितंबर को ये मनाया जाता है आपका, 29 सितंबर को मनाया जाता है, दिल का काम केवल धड़कना रहने दीजिए। और एक तरह से आप देखिए प्रति वर्ष आप देखते होंगे कि हार्ट अटैक से कई लोगों की डेथ होती है, तो हृदय संबंधी जो समस्याएं होती हैं, जो बीमारियां होती हैं, उनसे बचाने के लिए लोगों को, उसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। क्योंकि आजकल आप देखते हैं तनाव, खान पान पर ध्यान ना देना, शराब, धूमपान करना, ये सभी इसके हृदय संबंधी बीमारियों के कारण भी बनते हैं, तो आप समझ सकते हैं, समझेंगे या नहीं हुई समझेंगे। और आपको बता दूं कि इसके मनाने की शुरुआत सबसे पहले सन 2000 में हुई थी, वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन के मुताबिक पहले यह तय किया गया था कि हर साल सितंबर महीने के अंतिम रविवार को इसे मनाया जाएगा, लेकिन साल 2014 में इस खास दिन को मनाने के लिए 29 सितंबर की तारीख रखी गई थी, ठीक है, साल 2000 में इसे 24 सितंबर को मनाया गया था, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फिलहाल, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, कौन व्यक्ति अखिल भारतीय प्रबंधन संघ AIMA के नए अध्यक्ष बने हुए हैं, अखिल भारतीय प्रबंधन संघ के नए अध्यक्ष बने हुए, CK रंगनाथन, MK प्रजापत, DK कृष्णा, NC चौधरी। तो याद रखिए इसके CK रंगनाथन होंगे, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। और आपको बता दूं कि देखिए अखिल भारतीय प्रबंधन संघ पेशेवर प्रबंधन का एक शीर्ष निकाय है, जिसका गठन 1957 में किया गया था, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है, फूमियो किसीदा किस देश के अगले प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? जर्मनी, जापान, फ्रांस, जापान, ब्राजील। तो याद रखिए जापान के बने हैं प्रधानमंत्री। आपने देखा होगा कोरोना महामारी के समय यहाँ के प्रधानमंत्री ने एक तरह से क्या दे दिया था, इस्तीफा दे दिया था। टोक्यो इसकी राजधानी है, ठीक है, टोक्यो यहाँ की राजधानी है। आगे चलते हैं, केंद्र सरकार ने किस योजना का नाम बदलकर पीएम पोषण स्कीम किया है? पीएम कृषि सिंचाई का, मिड डे मील योजना का, सुकन्या समृद्धि योजना का, राष्ट्रीय पेंशन योजना का। तो याद रखिए मिड डे मील योजना का। देखिए मेरा एक मानना है कि आप लोग नाम बदलने की बजाय इनमें अगर और सुधार किए जाए, दुनिया भर की जरूरत है सुधार करने की, तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर हम लोग फायदा मिल पाएगा। मध्याह्न भोजन योजना आप लोगों ने सुनी होगी, अगर आप लोग सरकारी स्कूल में पढ़े होंगे तो खाना भी आपको मिलता था, कई जगह इसमें आपको पैसा मिलता है नगद, या कई जगह आपको खाद्यान्न भी मिलता था। 1995 में ये शुरू हुई थी, ठीक है, और पूरे देश की प्राथमिक और लघु माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों को दोपहर का भोजन निःशुल्क एक तरह से उपलब्ध कराया जाता था। और 15 अगस्त 1995 को केंद्र प्रायोजित स्कीम थी ये, शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष यानी कि 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस किस व्यक्ति की स्मृति में मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस की बात हो रही है, सेंट जेरोम, निकोलस ओवरे, अंटोनियो विवाल्डी, थॉमस वायलेंस, बताइए। तो याद रखिए इसमें आपके क्या होगा, 30 सितंबर को सेंट जेरोम की याद में मनाया जाता है एक तरह से। ये आपका 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह अनुवाद दिवस बाइबल के अनुवादक थे सेंट जीरोम, इनकी स्मृति में मनाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, कौन व्यक्ति भारत में एनबीए के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? ए ऑप्शन कह रहा है आपसे, अजिंक्य रहाणे, अमिताभ बच्चन, रणवीर सिंह, सुनील छेत्री। तो याद रखिए रणवीर सिंह होंगे इसमें। एनबीए आप लोग जानते हैं या नहीं? तो इसके नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, नेशनल बास्केट एसोसिएशन की बात हो रही है, इसके नए एम्बेसडर बने हैं। और इसकी अगर हम लोग बात करें एनबीए की, नेशनल बास्केट एसोसिएशन की, तो 6 जून 1946 में इसका एक तरह से गठन हुआ था, न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। तो ये कहानी थी, देखिए आपके जो सितंबर महीने की जो भी घटनाएं घटी उनसे आपकी परीक्षाओं में किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हम लोगों ने एक एक करके देखा है और बड़े विस्तार से जाना है। तो सितंबर के बाद आपका अक्टूबर आता है, अक्टूबर महीने की हम लोग सभी क्वेश्चंस देखेंगे, सभी घटनाओं पर एक नज़र डालेंगे और बड़े विस्तार से हम लोग बात करेंगे। बस थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, तो मुझे लगता है कि इतना आपको सीखने के लिए तो मिल रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अक्टूबर में, और आप लोग अभी एंजॉय करते रहिए तब तक।